नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास गरुड़ पुराण के पांचवें अध्याय के साथ। हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो जीन प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो जीव होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोड़ी होता है। यह तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद अर्थात भिल होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्याभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, मद्य पीने वाले के दांत काले होते हैं, लालचवश अब लक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरों के दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति, ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकला कर बोलता है और झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्नत तथा आग लगाने वाला खलवाट होता है। मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला शलभ अर्थात टिड्डा होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चक अर्थात बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदर, मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबुल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में वानर होता है। जूता घास कपास की चोरी करने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों से आजीविकाओं का चलाने वाला है मार्ग में यात्रियों को लूटता है, और जो आखेटक व्यसन रखने वाला है वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्व देव ना करने वाला तथा सब कुछ खाद लेने वाला द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन करने वाला व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा ब्रह्म स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है।
क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गधर्व तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा ना करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति हूँ या तुम शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मणों को पराजित करने वाला जलविहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान ना देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है। क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक अर्थात चकोर बनकर रहता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाइयों से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जल जोंक होती है और पति की भत्सना करने वाली नारी जू बन जाती है। अपने पति का परित्याग करके परपुरुषों का सेवन करने वाली स्त्री बलगुनी अर्थात चमगादड़ छिपकली तथा दो मुंह वाली सर्पिणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष अर्थात लकड़बग्घा और शलक शाही होकर रीछ योनि में जाता है। तापसी के साथ व्याभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य क्रिक्लास अर्थात गिरगिट होता है। राज पत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्टाभोगी सुअर तथा शूद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच में एकादश दशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण अधम द्रव्य जनों के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों को भोग प्राप्त करके महापात की क्रम कर्म के क्षय होने पर पुनः इस लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट और पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण गुल्म तथा लता होता है। परस्त्री का हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है पर तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है? ब्राह्मण के धन से सुपोषित हो गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्व का हरण करने से
ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुलपतित हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे ताक्षर्य, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरक को भोगकर क्रमशः जन्मांध एवं दारिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह पंगु कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गौदान का फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला वानर कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे कागेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अविष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक त्र्यक अर्थात पशु पक्षियों का शरीर प्राप्त करके वे बोझ ढोने आदि के कारण से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत तथा आतप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाते हैं। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार के सृष्टि में चलता है रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान ना देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उससे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीच जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता।